वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन की मज़ेदार सी ब्रोस्ट स्टाइल से क्रिस्पी सी चिकन स्ट्रिप्स बनाने लगी हूँ। बहुत आसान और इजी और खाने में बहुत मज़ेदार हैं और झटपट बन जाती हैं। तो ये मैंने चिकन ली थी, उसमें मैंने नमक, कुटी हुई मिर्ची और काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है। ये 1 किलो चिकन है तो इसमें मैंने हाफ हाफ टी स्पून सारी चीज़ें डाली हैं। मिर्ची अलबत्ता मैंने 2 टी स्पून डाली हैं। इसके अलावा मैदा लिया है और कॉर्नफ्लोर है मेरे पास। 1 कप मैदा है तो 1/2 कप कॉर्नफ्लोर है और 1 अंडा है। ये मेरी से रेसिपी मिस हो गया था क्लिप, तो इसलिए मैं डिटेल से आपको दिखा रही हूँ किस तरह के स्टेप्स बनी हुई हैं। और ये मैंने 3-4 बेसिक जो मसाले हमारे हैं, मस्टर्ड पाउडर एक्स्ट्रा है, उससे बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और लहसुन अदरक लगा के रखा है। अब 1 अंडा ले लेती हूँ। 1 अंडा फेंट के मैं इस सारे जो चिकन की मैरिनेशन करके मैंने रखी हुई है, ये 1 घंटे पहले मैंने रख दी थी फ्रिज में। अब अंडा फेंट के इस सारे स्टेप्स में 1 किलो मेरे पास जो चिकन है उसमें ये 1 अंडा काफ़ी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा फिर बता दूँ, नमक, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, लहसुन अदरक और मस्टर्ड पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद फिर ये मैदे की कोट करेंगे और मैदे की कोट करने के बाद हम डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जितना भी मैदा लेना चाह रहे हैं उससे हाफ आप कॉर्नफ्लोर लिया करें, चाहे तो उसमें आप 1 या 2 टेबल स्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं नहीं डाल रही। मैंने इसमें नमक डाला है, इसकी जो कोटिंग है, क्योंकि इसमें भी हम ये फ्लेवर डालते हैं तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। नमक डाला है, लाल बेसी मिर्ची डाली है, इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी डाली है 1 टी स्पून और काली मिर्च डालूंगी मैं इसमें 1 टी स्पून ही। इससे जो हमारी कोटिंग होगी वो भी बहुत मज़ेदार सी और क्रिस्पी तो होगी ही, लेकिन उसमें टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। अब इसके सब मसालों को हम, ये जो हमारी कोटिंग है, इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1-1 बोटी को उठाएँगे और इसमें अच्छी तरह कोट करके फ्राई कर लेंगे। अब मैं 1-1 बोटी को इसको अच्छी तरह कवर करूँगी और इसको एक तरफ रखते रहेंगे। ऑयल मेरा गरम हो रहा है, ऑयल गरम हो जाता है तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जिंगर को कर रहे होते हैं या चिकन शॉर्ट बना रहे होते हैं उसको करते हैं, इसी तरह इसको भी करते हैं। खाने में ये बहुत मज़ेदार होते हैं और इसको मैं अमूमन चीज़ सॉस के साथ ही बच्चों को सर्व करती हूँ। चीज़ सॉस भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बनाना। सारी कोटिंग हम इसी तरह कर लेंगे और ये स्पेशली आज मैं बना रही हूँ। आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया है तो उस खुशी में, ये उसका फेवरेट है तो आज ये मैं उसकी पसंद पे बना रही हूँ। और जब तक मैं ये सारी चीज़ें कोट करती हूँ, ऑयल मेरा गरम हो जाता है, उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब आराम से आप इसको 1-1 गोटी को उठाएं और इसको डीप फ्राई करना है। और ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपकी फ्राई हो जाएगी। आँच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपको, दरमियानी आँच ही रखनी है क्योंकि हमारा गोश्त कच्चा है और अंदर से अच्छी तरह गल जाना चाहिए। और बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट बन जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप मैरिनेशन नहीं भी करना चाहें, फौरी भी बनाना चाहें, तो स्ट्रिप्स को और बारीक आप कट कर सकते हैं और फटाफट आप इसे तैयार कर सकते हैं। रोटियों को फिर आप पराठे में रोल बना के दे दें, ब्रेड के साथ दे दें, बन के साथ दे दें, बच्चे हर फॉर्म में ये वाली रोटियाँ बहुत शौक से खाते हैं। और ये मेरी अब तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं, मैंने इनको पलट दिया था और मैं आपको इनका कलर दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा इसका गोल्डन सा कलर आया हुआ है और क्रिस्पी इसकी बहुत मज़े की बनी है और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े की बनी थी। बस अब इन सबको मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैंने, जैसे आपको बताया, आप केचप के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, बटर गार्लिक, जो भी आपको सॉस पसंद है आप वो सॉस लगाएँ और सर्व करें अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को। और लाजवाब रेसिपी है ये। थैंक यू करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जो जितना सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।